जैसा कि आप सबको मालूम है, प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी तो और भी, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए हैं बहुत सारे बिलीव्स, बहुत सारी तथ्य और मिथ्याएं, कुछ उनमें से सही हैं और कुछ गलत। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज इन प्रेगनेंसी के बारे में। मैं डॉक्टर अनंदता सिंह ठाकुर साईं हॉस्पिटल से। बहुत सारे लोग ओपीडी में आके ये बात पूछते हैं कि डॉक्टर, कैन आई ट्रैवल, कैन आई डू योगा, कैन आई डांस, कैन आई गो टू जिम, कैन आई गो टू मार्केट, या मैं अपने रूटीन हाउस होल्ड काम कर सकती हूँ या नहीं। तो आज मैं बताऊँगी 10 कारण जिनकी वजह से आपको एक्सरसाइज निश्चय ही करना चाहिए। सबसे पहली बात, एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो आपका मूड बहुत ही अच्छा हो जाता है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट बात, आपका एंजाइटी लेवल कम हो जाता है और स्ट्रेस घटता है। जैसे आप बाहर निकलकर टहलते हैं, खुली हवा में सांस लेते हैं, पर्यावरण में आप उठते बैठते हैं, बाहर के चिड़िया जानवर देखते हैं, तो आप निश्चित रूप से बहुत ही रिलैक्स्ड फील करते हैं और गुड हॉर्मोन्स जो कि एंडोर्फिन्स होते हैं वो रिलीज होते हैं और आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम चलते फिरते हैं तो हमारे लोअर लिम की जो स्वेलिंग या एडिमा जिसे कहते हैं, या लोअर लिम में जिसको सूजन आने की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, वो भी कम हो जाता है, क्योंकि हमारे लोअर लिम की मांसपेशियाँ काम करती हैं, लिम्फैटिक सिस्टम पंप करता है, तो उसकी वजह से सूजन कम आती है। फिर जब हम खाना अच्छे से खाना चाहें, उसके लिए भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ अपनी एक्टिविटी बढ़ाएं ताकि हमें डाइजेशन इम्प्रूव हो। एक्सरसाइज करने से हमारी एपेटाइट भी इंक्रीज़ करती है, हमें भूख अच्छी लगती है। उससे नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो इवन आपकी आंतड़ियाँ या आंतें भी अच्छे से काम करती हैं, कॉन्स्टिपेशन कम होता है, पाइल्स या हेमरॉइड्स की प्रॉब्लम भी कम होती है, इवन तक कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए भी आप प्रेगनेंसी में ही एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि हम जब एक्सरसाइज करते हैं तो हमें कम थकान होती है, फिटीक कम होता है, हम बहुत एनर्जेटिक फील करते हैं अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ करने के लिए। वही अगर हम सुबह उठ के कुछ भी ना करें और दिन भर बिस्तर पे बिताएं तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हम एनर्जी नहीं फील करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब आप प्रेगनेंसी के दौरान एक्टिव रहते हैं तो यू डू नॉट गेन एक्सेस वेट, मतलब कि आप आवश्यकता से ज़्यादा वेट नहीं गेन करते हैं, क्योंकि हम सबको मालूम है कि आने वाला मेहमान तो सिर्फ 3 किलो के आसपास ही होने वाला है, तो हम अननेसेसरी 10-15 किलो वज़न बढ़ाएं उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती, और हमें प्रेगनेंसी के बाद बहुत ही अपना शरीर ढीला ढाला लगने लगता है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, एक्सरसाइज हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारा स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्ट्रेचेबिलिटी बढ़ती है, जो कि हमें नॉर्मल लेबर में हेल्प करती है। एक्सरसाइज करते रहें तो इवन हमारी कमर का दर्द या लोअर बैक एक में भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में हमारा पेट बढ़ने की वजह से बैक पे बहुत स्ट्रेन महसूस किया जाता है। तो अगर हम चलते फिरते रहें और एक्सरसाइज करें तो वो भी हम अवॉइड कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी अब एक टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, व्हेन यू शुड नॉट एक्सरसाइज, या व्हेन यू शुड नॉट प्रैक्टिस योगा और प्रैक्टिस फिजिकल एक्टिविटी। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर आपको कभी ब्लीडिंग हुआ है प्रेगनेंसी में या स्पॉटिंग रहा है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। अगर आपकी बच्चेदानी का मुंह कमज़ोर है या जिसको इनकॉम्पिटेंट सर्विक्स बोलते हैं, तब भी आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। और अगर आपके बच्चेदानी के मुंह को टांका लगाकर सिल दिया गया है, जिसे सर्वाइकल स्टिच कहते हैं, इन कंडीशन में भी आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। आपका आंवल नीचे है या प्लासेंटा प्रीविया जिसे कहते हैं वो है, तब भी आपको एक्सरसाइज अवॉइड करनी है। आपको लीकेज हो गया है या जिसे प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन्स बोलते हैं, टाइम से पहले हो गया है, तब भी एक्सरसाइज आप अवॉइड करें। बहुत ज़्यादा वेजाइनल इन्फेक्शन होने पर भी एक्सरसाइज ना करें तो बेहतर है, उस इन्फेक्शन को पहले ट्रीट कर लिया जाए तो अच्छा रहेगा।
सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि आप हमेशा अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें। वैसे तो अमेरिकन कॉलेज ऑफ गायनेकोलॉजी ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजिस्ट ये सजेस्ट करता है कि 30 मिनट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज बहुत अच्छी है, पर फिर भी ज़्यादातर दिनों में अगर आप 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज करते हैं तो वो आपके लिए प्रेगनेंसी में बहुत लाभदायक रहेगा। इतना ना कर पाएँ तो कितना भी जितना भी करेंगे वो आपके लिए और आपके बच्चे के लिए फायदेमंद ही रहेगा। रूल्स ऑफ थंब कि हमेशा लिसन टू योर बॉडी, मतलब कि अगर आप थकान महसूस कर रहे हैं या आप ठीक नहीं महसूस कर रहे हैं तो आपको एक्सरसाइज नहीं करना है। कोई भी आपने नाश्ता लंच या डिनर किया है तो उसके एक घंटे तक एक्सरसाइज नहीं करना है। आपको एक्सरसाइज करने से पहले खूब सारा पानी पीना है, वेल हाइड्रेटेड होना चाहिए। आपको ठंडे, आपको लूज क्लोथ्स पहनने हैं, आपको बहुत टाइट क्लोथ्स में एक्सरसाइज नहीं करना है। और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आप अंडर समबडीज गाइडेंस, मतलब या तो फिजियोथेरेपिस्ट से पूछें या डॉक्टर की सलाह पर ही एक्सरसाइज स्टार्ट करें। और मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, हो सके तो अपने पार्टनर को या अपने हस्बैंड को ज़रूर इन्वॉल्व करें, क्योंकि उससे आपका मूड भी अच्छा होगा और फैमिली बॉन्ड भी बेहतर बनेगा और वो इन्वॉल्व होंगे ताकि वो एंड तक, लेबर प्रोसेस तक वो आपके साथ इन्वॉल्व रह सकें। वॉकिंग, योगा, डांसिंग, स्विमिंग, आप कुछ भी जो आपको पसंद हो, मनचाही एक्सरसाइज अपनी ज़रूर इंक्लूड करें प्रेगनेंसी के रूटीन में। हैव अ वेरी वंडरफुल प्रेगनेंसी एंड हैव अ वेरी हैप्पी जर्नी।